हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीवाई एकेडमी पर। मैं दिगंबर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन। स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन आपके ये होते क्या हैं, आपका जो मेंबर बना हुआ है वो किस सेक्शन से बना हुआ है, उसका शेप कैसा है, जो रॉड स्टील सेक्शन है आपके, आपका सेक्शन इस तरह आई सेक्शन भी हो सकता है, टी सेक्शन भी हो सकता है, एल सेक्शन भी हो सकता है। तो इसी के बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। रोल्ड स्टील सेक्शन आपका होता क्या है, ये आपका मशीनों से बनाया हुआ होता है, ना कि ये वेल्डिंग करके, मान चलो ये आपका एक सेक्शन है तो ये मशीन से कास्ट हुआ सेक्शन है, ये नहीं है पर आपने वेल्ड कर दिया हो या जोड़ दिया हो। अब रोल्ड स्टील सेक्शन की आप बात करोगे तो देखोगे रोल्ड स्टील सेक्शन आपके कितने प्रकार के होते हैं। रॉल्ड स्टील सेक्शन, रॉल स्टील बीम सेक्शन, इसको आप आई सेक्शन भी बोलते हो। अब इसका शेप जो होता है वो आई के उसमें होता है। कुछ इसका सेक्शन इस तरह से होगा। ये इसकी टोटल डेप्थ होती है, इसकी बात करोगे विड्थ ऑफ फ्लेंज होता है ये, और ये वाली जो आपकी थिकनेस है, ये थिकनेस ऑफ बेव, विड्थ ऑफ फ्लेंज, और आप इसकी बात करोगे ये थिकनेस ऑफ फ्लेंज। अब ये सेक्शन आपका कितने प्रकार का होता है, अब जब बीम सेक्शन की आप बात करोगे तो पेपर में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है ये कितने प्रकार का होता है किस, तो ये पांच प्रकार का होता है। आप इसमें देखोगे तो इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम और इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। ये पांच प्रकार की आपकी बीम होती है। इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। अब अगले सेक्शन की आप बात करोगे तो रोलिड स्टील एल सेक्शन बीम, या आप कह सकते हो एक आपका सेक्शन होता है रोलिड स्टील चैनल सेक्शन बीम। तो आप बात करोगे जैसे तो अगला सेक्शन है आपका रोलिड स्टील चैनल सेक्शन बीम, रोलिड स्टील चैनल सेक्शन, खाली बीम नहीं है, रोलिड स्टील चैनल सेक्शन। इसका आप शेप देखोगे तो इसका शेप कुछ इस तरह से होता है। ये इसका टोटल डेप्थ हुआ होगा, ये फ्लेंज ऑफ विड्थ हो गया आपका, ये इसका थिकनेस हो गया थिकनेस ऑफ बेव। अब इस सेक्शन की आप बात करोगे तो ये वाला सेक्शन आपका एक्स एक्स
के अबाउट तो सिमेट्रिकल है, लेकिन वाई एक्सेस के अबाउट अनसिमेट्रिकल है। अब रॉलेट स्टील चैनल सेक्शन की आप बात करोगे तो ये भी आपका चार प्रकार का होता है, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड आपका मीडियम चैनल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल सेक्शन। आप देखोगे रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन में आपका ये चार प्रकार का होता है। एग्जाम में आपका सीधा सीधा पूछ लिया जाता है चैनल सेक्शन आपका कितने प्रकार का होता है, जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं तो उसमें आपका चार प्रकार का ये चैनल सेक्शन होता है। अब इसमें आप देखोगे इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल सेक्शन। ये आपका दो प्रकार का हो गया। अब तीसरे प्रकार के आ जाओ, आप बात करोगे तो रॉलिड स्टील चैनल सेक्शन के बाद रॉलिड स्टील टी सेक्शन। तो रॉलिड स्टील टी सेक्शन आपका पांच प्रकार का होता है, जब आप किस शेप की आप बात करोगे तो ये यहाँ से इसका पूरा ये डेप्थ हुआ, विड्थ ऑफ फ्लैंज, थिकनेस ऑफ बेव, थिकनेस ऑफ फ्लैंज। अब आप देखोगे रोल्ड स्टील टी सेक्शन में आप एक पांच प्रकार में किस तरह का होता है, तो एक आपका होता है इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी सेक्शन, एक दूसरा आपका होता है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी सेक्शन, एक आपका होता है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी सेक्शन, एक आपका होता है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी सेक्शन। और एक आपका होता है आईएसएचटी इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज टी सेक्शन, और एक आपका होता है इंडियन स्टैंडर्ड आईएसएसटी इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग टी सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग। इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज टी सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर टी सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी सेक्शन, इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी सेक्शन। रॉलिड स्टील टी सेक्शन के बाद आप देखोगे
रॉलिड स्टील एंगल। तो रॉलिड स्टील एंगल आप का जो होता है ये आपका तीन प्रकार का होता है, रॉलिड स्टील एंगल सेक्शन, अब ये आपका आप सेक्शन की जब आप बात करोगे तो इसका सेक्शन कुछ एल शेप में होता है। अब जब ये तीन प्रकार का होता है तो एक होता है आपका इक्वल लेग सेक्शन, एक होता है अनइक्वल लेग सेक्शन और एक होता है आपका वॉल्व सेक्शन। तो इसमें इक्वल वाले में जो आपकी लंबाई है एल एल वन, ये आपका एल टू है, तो एल वन बराबर होगा एल टू के, तो इसमें आपका हो जाएगा इक्वल इक्वल लेग सेक्शन। जब L1 बराबर नहीं होगा L2 के तो ये आपका हो जाता है अनइक्वल लेग सेक्शन। एक आपका जो तीसरा होता है वो आपका होता है वॉल्व एंगल सेक्शन। तो इसका जो आप शेप होता है कुछ इसका शेप कुछ इस तरह से होता है। बेसिकली इसका यूज आप देखोगे तो जो आपकी नाब होती हैं तो नाब बनाने में इसका अक्सर इसका यूज होता है। इनका यूज आपको देखा होगा जो आपके स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, तो आप इसका इक्वल और अनइक्वल में जब आपका कोई सेक्शन आप अगला देखोगे तो आपका एक अगला सेक्शन होता है रॉलिड स्टील ट्यूब सेक्शन। तो रॉलिड स्टील ट्यूब सेक्शन का जो आपका जो शेप होता है कुछ इस तरह से होगा ट्यूब के फॉर्म में। तो रॉलिड स्टील ट्यूब सेक्शन आपका ये भी तीन प्रकार का होता है, एक लाइट मीडियम और हैवी वेट में। रॉलिड स्टील ट्यूब सेक्शन और एक आपका जो होता है रोल स्टील फ्लैट। रोल्ड स्टील फ्लैट सेक्शन में जब आप देखोगे तो हमारा जो सेक्शन है इसका, इसमें आपका ब्रेथ दिया होगा और एक आपका इसमें थिकनेस दी होगी। इसमें लेंथ कितना भी हो सकता है, जब फ्लैट सेक्शन आप इस तरह से लिख सकते हो आपका ये फ्लैट सेक्शन है तो आपका इसका चौड़ाई देगा और इसका आपको थिकनेस देगा, ये वाली लंबाई आपको नहीं देगा फ्लैट सेक्शन में। और एक आपका जो अगला सेक्शन जो बनता है आपका एक सेक्शन बनता है रोल्ड स्टील बार में, रोल्ड स्टील बार सेक्शन। तो रोल्ड स्टील बार सेक्शन आपका दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आपका राउंड राउंड शेप में और एक होता है आपका स्क्वायर शेप में। तो जब आप इन चैनलों इन सेक्शन को जब आप यूज करते हो मेंबर में तो इनकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी हैं, किसी का आई ज़्यादा है किसी का कुछ ज़्यादा है, तो इसमें आपको चूज करना होता है कि हमें किस प्रकार के स्ट्रक्चर में कौन सा एंगल हमें यूज करना है। मान लो आपको कोई बीम ही हमें यूज करना है तो आप उसमें आई सेक्शन यूज करोगे, आपको कोई होलो सेक्शन यूज करना है कुछ इस तरह से तो आप इसमें चार एंगल यूज कर लो। या आपके एंगल जो है गसेट प्लेट से जुड़े हुए होंगे तो आप एक सेक्शन आपका ये बन जाता है एंगल सेक्शन से। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा मेंबर बना रहे हो, किस तरह का चैनल सेक्शन आप यूज करोगे, तो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा। अब आगे चल के हम बात करें तो हमारा कोई जब स्ट्रक्चर बन गया है तो उस स्ट्रक्चर पर हमारा लोड भी आ रहा होगा, तो वो लोड किस प्रकार का हो सकता है।
अब हम लोड की बात करें तो हमारा कोई एक मेंबर बना हुआ है, मेंबर के रूप में आप इस सेक्शन को ले लीजिए। अब ये सेक्शन है हमारा इस पर, तो इस पर किस तरह के इसमें लोड आ सकते हैं, या हम कह सकते हैं जब इस मेंबर को जब हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें किन किन लोडों को हम ध्यान में रखते हुए इस मेंबर को हम डिज़ाइन करेंगे। तो इसमें आपका एक होता है डेड लोड। डेड लोड क्या होता है, इसका एक अपना खुद का भार होगा और इस पर ऐसा कोई भार जो उस पर परमानेंटली लगा हुआ हो वो आपका इसमें डेड लोड आ जाएगा। परमानेंटली अगर मैं आपका मान लो कोई वस्तु भी रखा हुआ है, वो वस्तु तब तक रखा रहे जब तक ये इसका लाइफ है। एक आपका जो होता है लाइव लोड। अब लाइव लोड को आप समझ सकते हो, मान लिया ये आपका कोई बीम है या तो अब इस पर आपने मान लो आपने कोई पार्टी अटेंड पार्टी को वो बुलाया है आपने, तो उस पर लोग आएंगे और आने के बाद चले जाएंगे। जो आपका लोड है वो कुछ समय तक रहेगा, उसके बाद वो हट जाएगा। अब देखोगे उसका जो है लाइव लोड में उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो गया। मान लो जैसे इस पर आपने भीड़ आपके यहाँ पर आई, अब कुछ देर के लिए तो आई यहाँ पर, ये तो है नहीं यहाँ पर एक जगह खड़े रहेंगे, आएंगे घूमेंगे फिरेंगे भी, तो इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इनका सब चेंज होता रहेगा, तो आपका ये लाइव लोड में आ जाता है। एक आपका जो लोड होता है स्नो लोड। ओके, तो स्नो लोड कहाँ होता है, जो आपका पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर बर्फबारी होती है, तो वहाँ पर स्नो लोड को ध्यान में रखा जाएगा। एक आपका होता है विंड लोड। विंड लोड को आप समझ सकते हो, मान लो आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाने की आपकी दिशा इस प्रकार है और आपकी हवा इस तरह से आ रही है, तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी इस डायरेक्शन में चलने के लिए, तो आप महसूस करोगे हमें आगे से कोई पीछे को धकेल रहा है। इसका जब आप रिवर्स लोगे, मान लो आप इधर को इस डायरेक्शन में चल रहे हो, यदि आपकी हवा भी इस डायरेक्शन में हो, तो आपको लगेगा हमें कोई पीछे से धक्का दे रहा है और हमारी साइकिल बड़ी आसानी से चल रही है, यानी पीछे से कोई जब लोड लग रहा है तो आपका विंड लोड है। इसी प्रकार जब आप कोई स्ट्रक्चर भी बनाओगे तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा, हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस ये स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ किस जगह जियोग्राफिकल इसका इम्पोर्टेंस क्या है। मान लो इस स्ट्रक्चर का जब हाइट ज़्यादा होगा, तो जब हाइट ज़्यादा होगा तो इस पर विंड लोड हवा लगेगी, हवा का लोड जब इस पर आएगा तो इस चीज़ का भी इसमें ध्यान रखा जाएगा कि इसमें विंड लोड आ कितना रहा है। एक आपका होता है भूकंप यानी सेस्मिक लोड। सेस्मिक लोड, अब जिस एरिया में आपके भूकंप आते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, भूकंप आ रहे हैं तो उसके लिए आप स्ट्रक्चर डिजाइन करोगे, स्ट्रक्चर किस तरह से डिजाइन करोगे, आपने इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था, एक आपका एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट था भूकंप, तो आपने सब उस सब्जेक्ट में आपने पढ़ा था भूकंप किस तरह का होता है, इसका कितना मैग्नीट्यूड किस तरह से उसे होता है, तो हमें स्ट्रक्चर को किस तरह से बनाया जाए कि इसका जो सेस्मिक लोड है आपका, इसका जो इफेक्ट जो है कम हो सके। जब आपने इन सब के लिए आपने जब कोई सेक्शन डिजाइन कर लिया है, मान लो आपने कोई आई सेक्शन हो या चैनल सेक्शन हो, जब आप इसको चूज करोगे तो इस लोड के अकॉर्डिंग जब आपने ये चूज कर लिया है, अब ये तो है नहीं कि इसको आप बिना जॉइंट का पूरा बना दो, तो जब आप इसमें कनेक्शन लगाओगे तो कनेक्शन लगाने के लिए जब आप यूज करोगे तो इसमें मान लो कि ये आपने कोई सेक्शन डिजाइन करा है, ये यहाँ पर मैं इसे एंगल सेक्शन ले रहा हूँ, जब एंगल सेक्शन देखोगे तो इसका ये कुछ इस तरह से है। अब ये एंगल सेक्शन आपका किसी प्लेट से जुड़ा हुआ है, मान लो ये आपकी गसट प्लेट, ये आपकी गसट प्लेट है, जब गसट प्लेट से जब इस सेक्शन को जोड़ोगे, मान लिया हमने इस पर जो है टेंसाइल लोड आ रहा है, जब इस पर टेंसाइल लोड आ रहा है तो अब इस गसट प्लेट को इससे जोड़ने के लिए आप या तो इस पर यहाँ पर आप वेल्डिंग कर दो, या यहाँ पर आप इस सेक्शन में रिवेट लगा दो, या फिर इस सेक्शन में आप यहाँ पर बोल्ट लगा दो। अब आपको लगाना क्या है, रिवेट कर सकते हो इस सेक्शन में, आप वेल्डिंग कर सकते हो, या इस सेक्शन में आप बोल्ट लगा सकते हो।
तो अब इस सेक्शन को मान लो जब रिबेट लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने हमें रिबेट लगाने हैं, उसका डाया कितना होगा। जब आप बेल्डिंग करोगे तो आपको पता होना चाहिए इसका साइज है बेल्ट का वो कितना होना है और इसकी कितनी लंबाई में हमें वेल्ड करना है। अब बोल्ट की भी आप बात करोगे तो बोल्ट में कितना लंबा आप उसमें बोल्ट लगाओगे उसका डाया ये रहेगा। तो इन सब के हमें के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और कैलकुलेशन करने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले इस पर कितना लोड आ रहा है। तो हमने आपको ये लोड बता दिया। तो जब आप इसे जब डिज़ाइन करोगे तो हमारे जो आने वाले वीडियो हैं हम उसको बताएंगे आप रिवेट को इस तरह से डिज़ाइन करोगे, बेल्ट को इस तरह से डिज़ाइन करोगे, बोल्ट को इस तरह से डिज़ाइन करोगे। जब उसमें ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो आप रिवेट को देखोगे तो रिवेट आपका WSM में होता होगा डिज़ाइन और बेल्ट की आप WSM और LSM और बोल्ट की आप बात करोगे तो LSM। ये आपके WSM और LSM से किस तरह से डिज़ाइन करेंगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो बने रहिए हमारे DIY Academy पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।